जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। आज हम ग्लास वार्डरोब के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी एक बहुत बड़ा लग्जरी एलिमेंट है इन द हाउस। हाय, आई एम शशांक जैन, को फाउंडर ऑफ वुडोफा, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वुडोफा। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे ग्लास वार्डरोब्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपके पास बजट है और आपकी इच्छा है ग्लास वार्डरोब्स को यूज़ करने की, तो आप ये 6-7 पैरामीटर्स को देख सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस को चूज कर सकते हैं वाइल मेकिंग योर वार्डरोब्स। आप सोचते होंगे वार्डरोब्स तो खाली स्टोरेज का काम करती है, ज़रूरी नहीं है, ये लग्जरी का काम भी करती है। स्टोरेज तो इंपॉर्टेंट है ही, बट लग्जरी भी तो दिखानी है घर की। तो आप इस ग्लास वार्डरोब्स को यूज़ कर सकते हैं उस लग्जरी को पोर्ट्रे करने के लिए। द फर्स्ट वार्डरोब टू शो इज टिंटेड ग्लास वार्डरोब। सो मैं आज आपके सामने एक वार्डरोब लेके आया हूँ और ये टिंटेड ग्लास वार्डरोब है, और मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे लग्जरी को हेल्प करता है इनहांस करने के लिए। सो आप जैसे देख सकते हैं ये 8 feet हाइट पे ऊंची है। दिस इज़ अ प्रोफाइल वी हैव यूज, तो इसके अंदर गोल्डन, रोज गोल्ड, मल्टीपल कलर्स की प्रोफाइल्स यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ पर हमने गोल्ड के साथ एक ब्लैक टिंटेड ग्लास को यूज़ किया है। सो नाउ इफ़ यू सी, इसके अंदर हमने एक ऑटोमेटिक स्विच लगाया है कि जिससे कि जब आप वार्डरोब खोलो तो इसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो आपके जो भी अच्छे आपने कपड़े, सामान, जूते वगैरह रखे हुए हैं इस वार्डरोब में, तो अच्छे से आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, एंड देन वो डिस्प्ले करने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी वार्डरोब है, इसके अंदर वो स्विच लगा है, स्विच जैसे ही दरवाज़ा खोला ऑटोमेटिकली लाइट को ऑन कर देता है। तो अब इस वार्डरोब का आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। क्या आप देख सकते हैं, तो ऊपर ये ना लॉफ्ट है, हम हिंदुस्तान में हैं, सो इन इंडिया वी लव स्टोरेज, राइट? और वार्डरोब ना हो घर में तो घर पूरा नहीं हो सकता। तो ये वो लॉफ्ट है जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा सामान, सूटकेस वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर हमने अभी रॉड नहीं लगाया है क्योंकि एक सैम्पल है यहाँ पर। तो ये आपके सिंपल कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज या जो भी सूट्स वगैरह वगैरह, उसको हैंग करने की जगह है। यहाँ पर नीचे हमने 2 ड्रॉर्स बनाई हैं। तो ये ड्रॉर्स अलग अलग फैशन, अलग अलग कलर, अलग अलग ग्लास के साथ बन सकती हैं अगर आप बनाना चाहें तो। और हमने इसको सेम ब्राउन फील एंड फिनिश में बनाया है। सो ये एक वार्डरोब, इसके साथ एक ड्रॉर हो गई, ये दूसरी ड्रॉर हो गई इसके साथ यूज़ करते वक्त। नीचे का सेक्शन अगेन आप अपने मुताबिक 2 शेल्फ, 1 शेल्फ, 3 शेल्फ डाल सकते हो। किसी को जूते रखने होते हैं तो किसी को पर्स, तो किसी को कुछ और। तो ये बहुत सारे स्पेसेस के लिए यूज़ किया जाता है नीचे वाला सेक्शन। इसके अंदर एक बॉक्स में डिवाइडेशन भी लगाया जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ आई एंटायर ग्लास वार्डरोब विल लुक लाइक। मैं आगे इस वीडियो में आपको बहुत सारी वार्डरोब्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ग्लास की डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा। तो करीबन 5 या 6 वार्डरोब्स ऐसी हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के ग्लासेस को यूज़ किया जा सकता है। तो देखते रहिए, इस वीडियो को बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा आगे। तो सेकेंड टाइप ऑफ वार्डरोब इज़ लेकर्ड ग्लास। तो अभी मैंने टिंटेड ग्लास के बारे में बात करी थी, अब मैं लेकर्ड ग्लास के वार्डरोब के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो लेकर्ड ग्लास वार्डरोब क्या होती है, एक बड़ी लेकर ग्लास की फिनिश है जो जनरली किचन के बैकस्प्लैश में भी यूज़ किया जाता था और आज एक अच्छी लग्जरी वार्डरोब में भी बहुत पॉपुलर है। तो आप लेकर ग्लास के डिफरेंट कलर्स आते हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, बेज, बहुत सारे कलर्स हैं। आप उनको कोई भी कलर को यूज़ कर सकते हैं और आप पूरी वार्डरोब को लेकर ग्लास में बना सकते हैं। सो द थर्ड काइंड ऑफ वार्डरोब इज ग्लास विद अ मिरर। तो जनरली मैं देखता हूँ कई बार जब घर छोटे होते हैं या कमरा छोटा होता है तो आप एक ड्रेसिंग मिरर लगाने की जगह नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है तो अपनी वार्डरोब को यूज़ कर सकते हैं एज अ मिरर, और उसके शटर्स पे मिरर लगा दीजिए। तो अगर आप पूरे शटर्स पे, उसके 2 शटर्स हैं, 3 हैं या 4 हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी आपकी वार्डरोब है, और उस पर मिरर्स आप लगा देंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको एक तो रूम की फील बहुत अच्छी आएगी, बड़ा बड़ा लगेगा, और आपको मल्टी यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाएगा। नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ वार्डरोब इज फोर्थ काइंड ऑफ वार्डरोब इज हाइब्रिड वार्डरोब। तो क्या होता है जनरली, सो हम लोग लैमिनेट्स तो बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है लैमिनेट के बारे में, वार्डरोब्स के बारे में, अभी वो भी देखिएगा। सो लैमिनेट्स और ग्लास को मिक्स भी किया जा सकता है। मे बी अगर आपकी 4 वार्डरोब्स हैं एक ही जगह पर, तो आप 2 वार्डरोब्स को लैमिनेट से लगा सकते हो और मे बी बीच के अंदर उसको ग्लास से अच्छा अपलिफ्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ग्लास हो, पर एक ऐसे हाइब्रिड फॉर्मेट आप उस पूरी वार्डरोब को यूज़ कर सकते हो। एक तो 2 फायदे हैं, पहला तो कॉस्ट कम कर देगा, मिरर का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आता है, लैमिनेट थोड़ा चीपर है, तो थोड़ा वार्डरोब की आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड सेकेंड इज़ वो सारा पूरा कमरा फुल मिरर शेप नहीं लगेगा। यस, दिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ अ वॉक इन क्लोजेट। अगर आपके पास जगह है कमरे में
आपके पास जगह है बाथरूम में या कहीं पर भी, और आप एक 5x8 या 10x7 का सेक्शन, 10 फीट बाय 7 फीट या 5 फीट बाय 8 फीट मिनिमम चाहिए होगा, अगर आप उतना बड़ा सेक्शन निकाल लें तो आप एक वॉक इन क्लोजेट बना सकते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं जहाँ मौका लग जाए और जहाँ पर जगह बन जाए अपार्टमेंट्स में या होम्स में, आई डू प्लान इट। तो वॉक इन क्लोजेट के साथ फ़ायदा क्या है कि आप उसके दो तरीके से ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। मे बी अ फ्रॉस्टेड ग्लास एक यूज़ कर सकते हो अलमीरा के ऊपर, और जो सेक्शन है जहाँ से आप एंट्री कर रहे हो तो उसको खुला भी रख सकते हो, या उल्टा कर लो, अंदर का सेक्शन को खुला छोड़ दो और बाहर ही एक वैक्यूम ग्लास डोर लगा दो। हम इंडिया में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगर आपने दरवाजे नहीं लगाए अंदर वार्डरोब में तो मिट्टी को कैसे आप संभालोगे और उसको क्लीन कैसे करोगे। ऑब्वियसली अगर बाहर का डोर वैक्यूम्ड है और वो पूरा का पूरा मिट्टी को और डस्ट एंड एयर एंड वॉट एवर एल्स उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर मेरी फेवरेट है, अगर लगे मौका तो ज़रूर यूज़ करना। सो आज ना एंटीक फिनिशेस बहुत चल रही हैं, सो आप चाहे वो गोल्ड में हो, कॉपर में हो, ब्रॉन्ज में हो, तो आप एंटीक फिनिश को यूज़ कर सकते हो। और एंटीक फिनिश की सबसे अच्छी बात क्या है, आपने मे बी उसको एक मिक्स वार्डरोब टाइप्स बना लिया, एंटीक फिनिश के थोड़े से शटर्स ले लिए एंड उसके अंदर कहीं ग्लास डाल दिया, तो जैसे यूरोपियन रस्टिक फील होती थी वही वो फील आने लगेगी आपके कमरे में। अगर आपका कमरा यूरोपियन है तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो एक वार्डरोब भी आप बना सकते हो। अब मेरी आखिरी वार्डरोब आपके लिए है जो कि ग्लास फिनिश में है, प्लेफुल कलर्स के साथ। तो कई बार देखते हैं हम किड्स रूम में या मे बी कहीं पर हम कलर्स डालना चाहते हैं एंड ग्लास में उतने ऑप्शंस कलर्स के नहीं हो सकते, तो आप क्या करो, एक ग्लास के ऊपर एक फिल्म भी लगा सकते हो, मे बी एक कलरफुल फिल्म लगा लो, जस्ट लाइक अ वॉलपेपर होती है ये फिल्म। बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे कस्टमाइजेशन पॉसिबल हैं, और उस शटर पे मे बी आप कार बना सकते हो, बारबी बना सकते हो, या कुछ भी अपने बच्चे के लिए आप बनवा सकते हो। एंड दिस मे बी अ ग्लास डोर, दिस मे बी अ ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसके ऊपर एक फिल्म है। डेफिनेटली थोड़ा ध्यान रखना कि बहुत छोटा बच्चा ना हो क्योंकि टूट सकता है, टफन ग्लास यूज़ करने की कोशिश करना कि जिससे कि ये थोड़ा ड्यूरेबल हो। सो गाइज, मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो ग्लास वार्डरोब्स के बारे में। मैंने पूरी कोशिश करी है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बहुत सारी फिनिशेस के बारे में समझ में आया हो और आप अपने डिज़ाइनर को बोल के या कॉन्ट्रैक्टर या कारपेंटर को बोल के उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बेझिझक 7-8 वार्डरोब्स के बारे में सोचिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करें, इस वीडियो को समझें अच्छे से और उसके बाद इसे यूज़ कराएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, और ये वीडियो जितने भी लोगों तक आप पहुँचा पाएँ दैट विल बी ग्रेट। जो भी वार्डरोब या जो भी घर में रेनोवेशन करा रहा है आपके नेटवर्क में, फ्रेंड में, फैमिली में, उसको ये वीडियो भेजो, आई एम श्योर ज़रूर उसको मदद मिलेगी वार्डरोब को चूज़ करने के लिए।